हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देख रहे हैं कि आप किसी ब्लैंक सीडी या डीवीडी में कैसे डाटा को कॉपी कर सकते हैं, चाहे वो पीडीएफ हो, फाइल हो, कुछ भी हो। उसे कॉपी करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने डीवीडी को डीवीडी राइटर में इंसर्ट कर दीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये मैंने डीवीडी राइटर में इंसर्ट कर दिया। उसके बाद आपको माय कंप्यूटर को ओपन करना है। ये रहा माय कंप्यूटर, इसे हमने ओपन कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं डीवीडी लिखा हुआ है, ये आ गया उसका डाटा। ऐसा कुछ फाइल आपके खुले तो उसे आप इग्नोर कीजिए या क्लोज़ कर दीजिए, जैसे इसको मैं क्लोज़ कर दे रहा हूँ। अब डीवीडी वाले ड्राइव में आपको राइट क्लिक करना है या डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद ये दो फाइल आता है, इसमें फर्स्ट वाले को आपको सिलेक्ट करना है, यूज़र यूजी फ्लैश ड्राइव, और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद देख सकते हैं आप, ये ड्राइव जो है फॉर्मेट हो रहा है, नॉर्मल पेन ड्राइव जैसा फॉर्मेट करते हैं उसी टाइप का है। बस इसमें एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है, ये फॉर्मेटिंग हो रहा है, इसे होने देते हैं। ये आपके सिस्टम के स्पीड के ऊपर है, जैसा स्पीड होगा उतनी जल्दी फॉर्मेट हो जाएगा। ये देख सकते हैं फॉर्मेट हो गया है और उसका स्पेस वाला ड्राइव खुल गया है। अब मैं आपको एक फाइल कॉपी करके दिखाता हूँ। इसमें ये मैंने इस डबल क्लिक करके ओपन कर दिया, अब इसे साइड कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने एक पीडीएफ बना के रखा है कंप्यूटर सॉल्यूशन के नाम से, आप देख सकते हैं इसको। ये सब वाई फोटोज हैं, ये सब जो भी है नॉर्मल पीडीएफ है। इसे आपको कॉपी कैसे करना है, मैंने राइट क्लिक किया, कॉपी किया, और नॉर्मली यहाँ पर राइट क्लिक करके इसे पेस्ट कर देते हैं। ये देख सकते हैं ये फाइल ट्रांसफ़र हो रहा है 97 और ये कंप्लीट। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ आ चुका है। मैं आपको एक बार फिर से खोल कर दिखा देता हूँ, कंप्यूटर सॉल्यूशन का पेज है ये। माय कंप्यूटर पर मैंने क्लिक किया, सीडी ड्राइव को ओपन किया, और ये देख सकते हैं आप कंप्यूटर सॉल्यूशन। तो गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।